हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग. जय स्वामीनारायण ऑल ऑफ यू. वेलकम टू क्लास टू इन आत्मीय ग्रीन स्कूल. माय नेम इज़ प्राजक्ता एंड आई एम योर कंप्यूटर टीचर. नाउ लेट्स विल स्टार्ट लेसन नंबर 7. लेट्स स्टार्ट वर्ड 2013. सो बिफोर स्टार्टिंग अवर टूडेज टॉपिक, फर्स्ट यू विल सी वॉट यू हैड लर्न इन दिस लेसन इन अवर लास्ट क्लास. सो नाउ ऑल ऑफ यू लुक एट इन योर टेक्स्ट बुक. So now all of you look at in your textbook. We will start lesson number 7. Let's start word 2013. But before starting our today's topic, first we will see what you had learned in this lesson in our last class. So first we had learned the word processing software. So what is the use for word processing software? It is used for a write a text in the computer. We want to write text in the computer, so for that we are using the word processor, WordPad, otherwise notepad. These also we are using for writing documents like a letter, report, etc. example दिया है letters, reports हम लिख सकते हैं, ठीक है. और उसके बाद उसको हम save भी कर सकते हैं. वहाँ पे अलग अलग option रहते हैं, checking spelling, spelling check करने के लिए, grammatical error होता है वो उसको भी check करने के लिए, page border, page को border भी देख सकते हैं, और जो हमने लिखा है उसको print भी निकाल सकते हैं. तो वर्ड प्रोसेसर 2013 विच इज पॉपुलर नोट प्रोसेसर, ये क्या है वर्ड प्रोसेसर, ये क्या है 2013 ये फेमस वर्ड प्रोसेसर है. देन स्टार्टिंग वर्ड प्रोसेसर, उसको स्टार्ट कैसे करते हैं. तो सबसे पहले ऑल प्रोग्राम पे क्लिक करेंगे, देन माइक्रोसॉफ्ट 2013 पे क्लिक करेंगे, देन सिलेक्ट वर्ड 2013, ठीक है. देन उसको स्टार्ट करने के बाद हमें ऐसे विंडो दिखेंगे, और उसमें से हम जो ब्लैंक डॉक्यूमेंट है उस पर जाके क्लिक करेंगे, तो हमारा वर्ड प्रोसेसर का विंडो क्या हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा. तो जैसे वर्ड प्रोसेसर को स्टार्ट कर देंगे तो हमें ऐसी विंडो दिखेगी. लव लुक एट यार, तो ऐसी एक क्या दिखती है, हमें विंडो दिखती है वर्ड प्रोसेसर की, ठीक है. तो यहाँ पे भी वही दिखा है, तो किसको क्या बोलते हैं, लुक एट यार. ये जो आपको एम्प्टी वाइट वाला पेज दिख रहा है उसको बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स विंडो, उसको क्या बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स विंडो. और जो ये पूरा पार्ट्स है, ये जो पूरा पार्ट्स है उसको बोलते हैं रिबॉन, उसको क्या बोलते हैं रिबॉन. रिबॉन के अंदर क्या क्या होता है, फाइल, होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज, रेफरेंस, देन मेलिंग, रिव एंड व्यू, ये अलग अलग इसके अंदर एक ग्रुप्स रहते हैं, ठीक है. ये है फाइल टैब है, देन इसके बाद ये है क्यू कसेस टूल बार है, देन उसके बाद यहाँ पे ऊपर जो भी फाइल का नाम है वो दिखता है, मतलब ये क्या है टाइटल बार है, उसको हम बोलते हैं टाइटल बार बोलते हैं. देन उसके बाद ये जो आपको दिख रहा है इसको बोलते हैं डायलॉग बॉक्स लॉन्चर है ये. देन उसके बाद यहाँ पे एक हेल्प वाली बटन्स होती है, ये वाली यहाँ पे क्या होती है, हेल्प वाली बटन होती है. देन यहाँ पे होता है मिनिमाइज करने के लिए, ये मैक्सिमाइज कर सॉरी ये मिनिमाइज करने के लिए होता है, ये मैक्सिमाइज करने के लिए होता है, ये क्लोज करने के लिए होता है, ठीक है. देन ये वर्टिकल रूलर है, ये हॉरिजेंटल रूलर है, ये वर्टिकल स्क्रोलर बार है, देन ये वर्टिकल रूलर, ये हॉरिजेंटल रूलर है, और ये क्या है हॉरिजेंटल स्क्रोलर बार से. तो ये इसके अंदर के पार्ट्स है, इसके अंदर के वर्ड 2030 विंडो के अंदर के ये पार्ट्स है. तो यहाँ पे भी है, देखो ये क्या है वर्ड 2013 की विंडो है. तो उसमें हमने पढ़ा था कि फाइल बार्स क्या होता है, द फाइल टैब इज लोकेटेड एट द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ वर्ड 2013. जो फाइल टैब्स होती है वो कहाँ होती है, अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द वर्ड 2013 में. देन हमने पढ़ा था क्यू कसेस टूल बार, क्यू कसेस टूल बार का यूज किसके लिए करते हैं, यू हैव रीच द कॉमन इन क्यू कसेस बार लोकेटेड एट द टॉप लेफ्ट यू वर्ड विंडो इन इंडिकेट द सेव अंडो एंड रिपीटेड कमांड. यहाँ पे सेव अंडो एंड रिपीटेड कमांड यहाँ पे भी होते हैं, ठीक है. क्यू कसेस टूल बार मतलब वर्ड उसको क्यू होता है वो, ठीक है. देन उसके बाद टाइटल बार, टाइटल बार में क्या होता है, द टाइटल बार इज द प्लेस ऑफ द टॉप ऑफ द वर्ड 2013 विंडो इज द डिस्प्ले द डॉक्यूमेंट्स नेम फॉलोइंग द प्रोग्राम्स नेम. टाइटल में नेम्स में क्या होता है, जो भी हम जो हमारा ये जो प्रोग्राम्स होता है वर्ड
2013 इसको हम जो भी नाम देंगे वो होता है टाइटल बार में। देखो ये जो वर्ड 2013 है, ये जो फोल्डर है उसको मैंने नाम लिख के रखा है क्लास टू। तो ये कहाँ लिखते हैं हम, जब हम वर्ड को स्टार्ट करते हैं तो फोल्डर को नाम दे के रखते हैं। तो यहाँ पे नाम दिया है क्लास टू, तो हमें यहाँ पे दिख रहा है, तो वो कहाँ पे नाम देती हूँ आपको वो भी दिखाती हूँ। ये देखो ये क्या है, फोल्डर है क्लास टू का। तो ये जो हमने यहाँ पे नाम लिखा है क्लास टू, वही नाम हमें टाइटल बार में ऊपर दिखता है। ठीक है, कहाँ पे है, ये है क्लास टू है। अगर यहाँ पे क्लास फोर एक्सरसाइज एंड एक्सरसाइज और ये 13.2 डेट, ये जो या ये फोल्डर पे मैंने जो नाम लिखा है वो फोल्डर का वो जो पूरी इंफॉर्मेशन वो हमें कहाँ दिखेंगे आपको इसके अंदर का भी दिखाती हूँ। ये फोल्डर ओपन कर रही हूँ मैं, देखो वो फोल्डर मैं ओपन करी, तो आपको उसके अंदर भी टाइटल बार में उसका नाम दिखेगा। देखो जो मैंने नाम दिया था उस फोल्डर को वही दिख रहा है। देखो एक्सरसाइज 13.1 13.2 डेट लिखी है और उसके बाद ये है कंपेरेबल मॉडल, ये एक्टिविटी फेल ही उसके अंदर का है। तो ये जो है क्लास फोर एक्सरसाइज 13.1 13.8 एंड ये मैंने उस फोल्डर को नाम दिया था वही नाम आपको इस पर दिख रहा है। ठीक है, तो ये होता है टाइटल बार। उसके बाद होता है टाइटल बार होने के बाद रिबॉन। ठीक है, रिबॉन के अंदर ये जो आपको सब कुछ दिख रहा है उसको रिबॉन बोलते हैं। द रिबॉन इज डिस्प्ले द जस्ट बिलो द टाइटल बार। रिबॉन कहाँ पे होता है, टाइटल बार के नीचे होता है। इट कंटेन द ऑल कमांड्स दैट मीन कमांड्स इन द वर्ड हैज अ टैब्स ईच विच हैज अ मेनी ग्रुप्स एंड कमांड। टाइटल बार के अंदर क्या होता है, कमांड्स होती है, टैब्स होती है, ये सब कुछ ग्रुप्स होते हैं। ये देखो ये जो पूरा पार्ट से उसको हम बोलते हैं रिबॉन। रिबॉन के अंदर क्या होते हैं, ग्रुप्स होते हैं, टैब्स होते हैं। ठीक है, ग्रुप्स टैब ये क्या है, इसके अंदर होते हैं, रिबॉन के अंदर होते हैं। डॉक्यूमेंट्स विंडो, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स विंडो मतलब क्या होता है, अ डॉक्यूमेंट्स क्रिएट अ डॉक्यूमेंट्स विंडो, जहाँ पे हम लिखते हैं उस एरिया को हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट्स विंडो। दिस एरिया वेयर यू कैन टाइप द टेक्स्ट, इंसर्ट पिक्चर, ग्राफ्स एंड एक्सेट्रा, जहाँ पे हम लिख सकते हैं, देन उसके बाद पिक्चर इंसर्ट कर सकते हैं, ग्राफ कर सकते हैं, उसको हम डॉक्यूमेंट्स विंडो बोलते हैं। देन हेल्प बटन हमारे हेल्प के लिए होते हैं। देन स्टेटस बार इज डिस्प्ले द बॉटम ऑफ द 2013 विंडो, हियर यू कैन इन्फॉर्म द करंटली डॉक्यूमेंट्स। ये देखो ये स्टेटस बार यहाँ पे लिखा रहता है। स्टेटस बार में हम यहाँ पे हम पेज ओपन करते हैं, बहुत सारे पेज होते हैं, तो यहाँ पे कौन से नंबर के पेज पे है और यहाँ पे कितने पेज हुए हैं वो लिख के आता है। पेज वन ऑफ वन मतलब यहाँ पे वन पेज है और वन पेज में से वन पेज पे है, तो यहाँ पे लिख के रहता है स्टेटस बार में। देन डायलॉग बॉक्स लंचर में क्या होता है, अ डायलॉग बॉक्स लंचर इज द स्मॉल आइकन अपेयर्ड इन द सम ग्रुप्स इफ यू क्लिक द आइकॉन। ये होता है डायलॉग बॉक्स लंचर, ये सभी ग्रुप के अंदर होता है, ये छोटा सा आपको दिखता है। देन हॉरिजेंटल रूलर कहाँ पे होता है, यहाँ पे आपको ऊपर दिखेगा, ये हॉरिजेंटल रूलर है। ठीक है, देन ये वर्टिकल है, देन ये हॉरिजेंटल स्कोरल बार है और ये वर्टिकल स्कोलर बार है, तो ये सभी के अंदर होता है। ठीक है, देन उसके बाद हॉरिजेंटल स्कोरल बार ये भी हमने पढ़ा था। नाउ अवर टुडेज टॉपिक इज द क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स, अगर न्यू डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करना है तो कैसे करेंगे। ओके, सो लेट्स अस सी अ स्टेप ऑफ क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट्स इन द वर्ल्ड। देन क्लिक द फाइल टैब्स, जैसे हमने ये ब्लैंक पे क्लिक कर दिया तो हमें विंडो ओपन हो जाती है। उसके बाद क्लिक द फाइल टैब पे क्लिक करेंगे, देन सिलेक्ट द न्यू। सबसे पहले कहाँ क्लिक करेंगे, फाइल टैब से माउस की लेफ्ट वाली बटन दबाएंगे, देन उसके बाद सिलेक्ट द न्यू ऑप्शन इज द लेफ्ट पैनल, वहाँ पे लेफ्ट पैनल पे आपको न्यू ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पे क्लिक करना। देन ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स ऑफ द राइट साइड इन द फिगर्स, देखो यहाँ पे ब्लैंक्स वाला है, वहाँ पे क्लिक करेंगे। अ न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट विल बी अपेयर ऑन द स्क्रीन, यू कैन
नाउ स्टार्ट द टाइपिंग इन द डॉक्यूमेंट्स विंडो यूजिंग द कीबोर्ड। अभी हम कीबोर्ड का यूज करके लिख सकते हैं, तो आपको दिखाती हूँ कैसे क्लिक करना है। आपको यहाँ पे एरो दिख रहा होगा, ये एरो जहाँ पे एरो है वहाँ पे FILE फाइल दिख रहा है, ठीक है। अभी वहाँ पे जाके माउस की लेफ्ट वाली बटन को क्लिक कर लूँगी। जैसे मैंने माउस की लेफ्ट वाली क्लिक कर दी बटन, तो ये देखो आपको ऐसा फोल्डर दिख रहा है, उसमें से ये सेकंड वाला ऑप्शन है न्यू, न्यू पे जाके क्लिक करूँगी, NUW न्यू। न्यू में क्लिक करूँगी तो आपको यहाँ पे देखो अलग अलग ऑप्शन दिख रहे होंगे, उसमें से ये फर्स्ट वाला ब्लैंक डॉक्यूमेंट से वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका एक ब्लैंक वाला पेज ओपन हो जाएगा। देखो जैसे मैंने उस पर क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे आपको एक ब्लैंक वाला पेज ओपन हो गया। उसके लिए हमें क्या जाना पड़ता है, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है FILE फाइल, फाइल पे क्लिक करके सेकंड वाला ऑप्शन न्यू पे क्लिक करेंगे, सब करते समय माउस की लेफ्ट वाली बटन क्लिक करना है और उसमें से ब्लैंक डॉक्यूमेंट्स पे क्लिक करेंगे, तो हमें ये वाला क्या हो जाएगा, हमारा वर्ड हमारा स्टार्ट हो जाएगा, वर्ड पैड हमारा स्टार्ट हो गया है वर्ड 2030। तो उसके बाद हो गया, ये हमने शुरू कर दिया। फिर उसके बाद हम उसमें कीबोर्ड से लिख सकते, जैसे मैं अभी यहाँ पे आपको लिख के दिखा रही हूँ, कैप्स लॉक ऑन कर रही हूँ, आई इसका साइज बड़ा देती हूँ मैं, मतलब आपको अच्छे से दिखेगा। ओके, आई एम प्राजक्ता, देखो मैंने लिख दिया है आई एम प्राजक्ता, ठीक है। ये हमने यहाँ पे टाइप कर दिया है कीबोर्ड का यूज करके, कीबोर्ड का यूज करके हम यहाँ पे टाइप कर सकते हैं। देन उसके बाद सेव अ डॉक्यूमेंट्स, हमने लिख दिया, हमें जो लिखना था वो अभी हमें सेव करना है, जो हमने वर्क किया था उसको सेव करना है। तो क्या करेंगे, टू सेव अ डॉक्यूमेंट डू द फॉलोइंग, उसके लिए क्या करेंगे, देखो क्लिक द फाइल टैब, फाइल टैब में जाएंगे एंड सिलेक्ट द सेव इन द लेफ्ट पैनल, वहां पे सेव वाला ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके हमें क्लिक करना पड़ेगा। देन क्लिक द सेव कमांड ऑन द क्विक असेस टूल बार, यहाँ पे हमें सेव वाला ऑप्शन दिखता है, वहां पे जाके सेव करना पड़ता है, मतलब हम लिख रहे तो लिखते लिखते हमें सेव करना है, तो ठीक है। जब हम वहां पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमें ऐसी विंडो दिखेंगी, द सेव स्क्रीन अपीयर व्हेन यू सेव द डॉक्यूमेंट फॉर द फर्स्ट टाइम, फर्स्ट टाइम हम सेव करेंगे तो हमें ऐसी विंडो दिखेगी, ठीक है। नोटिस द सेव एज द स्क्रीन इज डिवाइड इंटू द थ्री पार्ट्स, उसके थ्री पार्ट्स दिखेंगे, इन द सेंटर पैनल वन नंबर सिलेक्ट द कंप्यूटर, ठीक है। यहाँ पे हमें ऐसी विंडो दिखेंगी, इसमें से हमें जो जिसमें हमें सेव करना है, जैसे डॉक्यूमेंट्स होता है डेस्कटॉप पे सेव करना है डाउनलोड में, तो हम इसमें से कोई भी क्लिक कर सकते हैं। क्लिक द ब्राउजर एट द राइट साइड, यहाँ पे राइट साइड पे जो ब्राउजर है उस पर क्लिक करेंगे। देन सेव एज द डायलॉग बॉक्स, यहाँ पे डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले तो हम फाइल का नाम लिख देंगे, जो फाइल का नाम देना है वो, उसके बाद फाइल का नाम देंगे, फिर सेव एज में हम यहाँ से जो फोल्डर लेना है वो फोल्डर लेंगे, और लास्ट में यहाँ पे सेव वाला ऑप्शन होता है उस पर जाके क्लिक करेंगे, तो हमारी जो फाइल है वो सेव हो जाएंगी। द सेव डायलॉग बॉक्स इज द अपीयर, सिलेक्ट द लोकेटेड वेयर यू वॉन्ट टू सेव अ फाइल, जहाँ पे हमें सेव करना है वहाँ पे सेव करेंगे। टाइप द फाइल नेम, फाइल का नाम लिखेंगे एंड क्लिक द सेव बटन, फिर हम क्या करेंगे सेव पे क्लिक करेंगे। तो आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, सबसे पहले हमें कहाँ क्लिक करना है, FILE फाइल पे लेफ्ट वाली बटन क्लिक करेंगे। देन यहाँ पे देखो SAVE सेव करके ऑप्शन दिख रहा है, वहाँ पे जाके क्लिक करेंगे। तो जैसे हम क्लिक करेंगे तो हमें देखो ऐसी फोल्डर दिख रही है, तो ये अभी मैं यहाँ से दिस इज, यहाँ पे देखो ब्राउजर है, ब्राउजर पे जाके क्लिक कर रही हूँ। जैसे मैंने ब्राउजर पे क्लिक किया था, यहाँ पे लिखा देखो सिलेक्ट अ कंप्यूटर देन ब्राउजर इन द राइट पैनल, वहां से ब्राउजर पे क्लिक किया मैंने। फिर यहाँ पे हमें फाइल का नाम देना है, तो यहाँ पे लिख के आ गया आई एम प्राजक्ता। तो सबसे पहले हमें कहाँ पे सेव करना है ये फाइल, डेस्कटॉप पे करना है तो डेस्कटॉप पे जाके क्लिक कर देंगे, ठीक है। फाइल नेम में फाइल नेम का नाम देना है, तो जैसे मैं मुझे फाइल का नाम देना है क्लास टू, क्लास टू ए बी, ठीक है, क्लास टू ए बी मैंने ऐसे फाइल का नाम दे दिया है, क्लास टू ए
एंड बी, मैंने ऐसे फाइल का नाम दिया, ठीक है। अभी यहाँ पे सेव टाइप वर्ड डॉक्यूमेंट से ये, तो यहाँ पे वर्ड डॉक्यूमेंट्स आ गया है। देन यहाँ पे ऐसे भी ई सेव करके ऑप्शन आ रहा है, तो उस पर जाके क्लिक करूँगी, तो वो अभी डेस्कटॉप पे फाइल सेव हो गई। कौन से नाम से? क्लास सेकंड ए एंड बी, देखो यहाँ पे ऊपर भी उसका नाम आ गया, ठीक है। अभी हमने वन टाइम सेव कर दी, हमें फिर से सेव करना है, तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। अदरवाइज शॉर्टकट की आती है कंट्रोल प्लस एस, कंट्रोल की बटन, ये जो CTRL कंट्रोल, और यहाँ पे जो एस की बटन है एस की, उसको हम एक साथ दबाएंगे तो वो सेव होता है। जब हम इसमें वर्ड में क्या करते हैं, हम वर्क करते हैं, तब हमें थोड़े थोड़े देर के बाद कंट्रोल एस दबानी पड़ती है, क्योंकि हमारे वर्क को सेव करने के लिए, जो हम लिखते हैं उसको सेव करने के लिए। अदरवाइज अगर सडनली करंट चली गई है, तो फिर वो आपने जो लिखा है वो क्या होता है, वो पूरा डिलीट हो जाता है। इसलिए हमें जब हम वर्ड में वर्क करते हैं, तब हमें क्या करना पड़ता है, 5 to 2 minutes के बाद कंट्रोल एस की बटन, अदरवाइज यहाँ पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ता है, तो यहाँ पे सेव होती है वो फाइल। अदरवाइज कंट्रोल एस हम दबाएंगे, हमारा वर्क जब जैसे हमने 2 lines लिख दी, तो फिर उसके बाद कंट्रोल एस दबाएंगे तो हमारी फाइल सेव हो जाती है। तो होता है फाइल को कैसे सेव करना है। फिर यहाँ पे प्रैक्टिस दी है, अगर आपके घर में लैपटॉप कंप्यूटर है तो आप इसको प्रैक्टिस करके देख सकते हैं, ठीक है। देन ओपन एंड डॉक्यूमेंट्स, अभी हमने सेव कर दिया है, हमारे फाइल को बंद कर दिया है, अभी उसको ओपन करना है। क्या करना है? ओपन करना है, तो उसके लिए हम कहाँ पे क्लिक करते हैं, मतलब हमने आज थोड़ा वर्क कर दिया है, कल हमें फिर से वर्क करना है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। यू कैन ओपन द ऑलरेडी सेव डॉक्यूमेंट्स फॉलोइंग स्टेप आर, उसके लिए स्टेप दी है। क्लिक द फाइल टैब्स, उसके लिए हमें फाइल टैब्स में क्लिक करना पड़ता है। देन क्लिक द ओपन ऑप्शन ऑफ द लेफ्ट पैनल, वहाँ पे एक ओपन करके ऑप्शन रहता है, वहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। द ओपन डॉक्यूमेंट स्क्रीन अपीयर, दिस विंडो इज डिवाइडेड इनटू द 3 parts, उसके भी 3 parts होते हैं, ठीक है। सो नाउ लुक एट हियर, इन द सेंटर पैनल सिलेक्ट अ लोकेटेड से कंप्यूटर, दिस से कैन बी टेक योर फाइल यू सेव योर ऑन योर कंप्यूटर, देन क्लिक ऑन द ब्राउजर, हमने ब्राउजर पे सेव किया था तो ब्राउजर पे क्लिक करना पड़ता है। देन ओपन द डायलॉग्स अपियर, फिर वहाँ पे ओपन द डायलॉग बॉक्स अपियर होगा, सिलेक्ट द ड्राइव एंड फोल्डर विच यू हैव सेव योर फाइल, फिर वहाँ पे हमें फाइल दिखेंगी और जो हमने नाम की सेव की उसको ओपन करेंगे। सिलेक्ट द ड्राइव एंड फोल्डर इन विच यू हैड सेव योर फाइल, सिलेक्ट द फाइल एंड क्लिक द ओपन, फिर उस वहाँ जाके हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे। जैसे देखो अब हम क्या कहाँ पे जाएंगे, फाइल पे जाएंगे, माउस की लेफ्ट वाली बटन क्लिक करेंगे और आपको यहाँ पे ओपन करके ऑप्शन दिख रहा है। देखो जैसे ओपन पे क्लिक किया तो यहाँ पे मैं ब्राउजर पे जाके क्लिक कर रही हूँ, ब्राउजर पे जाके क्लिक किए तो यहाँ पे देखो फाइल आ गए, जो जितने फाइल्स है उसके अंदर वो आ गए। तो ये देखो मैंने क्लास 2A and B ये नाम की मैंने आपके सामने सेव की, तो वहाँ पे जाऊँगी, वहाँ पे मैंने माउस की लेफ्ट वाली बटन 1 time क्लिक कर दी और यहाँ पे आके ओपन पे क्लिक करूँगी, तो ये जो फाइल है वो ओपन हो जाएगी। देखो ये फाइल क्या हो गई, ओपन हो गई, जो हमने सेव की थी क्लास ए एंड बी के नाम से, और उसमें मैंने लिखा था आई एम प्राजक्ता, तो ठीक है। देन उसके बाद ये हमने सेव कर दिया है और न्यू पेज लिया है, देन उसके बाद उसको ओपन भी कर दिया, ठीक है। देन चेंज द फॉन्ट साइज एंड फॉन्ट कलर, अगर हमें जो हमने लिखा है उसका फॉन्ट का कलर चेंज करना है और उसका साइज चेंज करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे। You once you have a type the something in your documents, you make a many change to text. You can either type text in the different color size or a select a portion of the text you have typed the change it color and size. तो हम उसका color मतलब color और size दोनों भी चेंज करते हैं, उसके लिए हमें कहाँ पे क्लिक करना पड़ता है। दिस कैन बी यूजिंग अ फॉन्ट ग्रुप ऑन द होम, कहाँ पे होता है, होम वाले ग्रुप में फॉन्ट वाले ऑप्शन में, ये क्या होता है साइज और इसको कलर को चेंज कर सकते हैं। देन यहाँ पे लुक,
You can change the font size, font color for the selected text by following step. यहाँ पे step दिए तो उसको कैसे change करेंगे? Select the text first by following the step is below. ठीक है, यहाँ पे देखो लिखा है, यहाँ पे लिखा है kind word, kind hearts are the garden, kind through are the roots, kind word in the following, kind deeds in the fruits. ये स्टेटमेंट लिखा है. Place the cursor in the left is the first character on the select. Press the left mouse button and drag the mouse pointer where you want to select. And release the mouse and then select the text gate is the higher in the blue. तो उसके लिए क्या स्टेप दिए देखो. क्लिक द होम टैब, कहाँ पे क्लिक करना पड़ता है? होम टैब में. इन द फॉन्ट ग्रुप, कहाँ पे होता है? फॉन्ट ग्रुप में होता है. ये देखो होम टैब है, वहाँ पे फॉन्ट वाला ग्रुप होता है, वो आपको मैं दिखाऊंगी. क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट इन द फॉन्ट साइज, फिर वहाँ पे डाउन एरो रहेगा, वहाँ से हम साइज चेंज करेंगे. सिलेक्ट द फॉन्ट साइज, उसके बाद सिलेक्ट करेंगे फॉन्ट साइज को. क्लिक द डाउन एरो नेक्स्ट इन द फॉन्ट बटन्स एंड अ सिलेक्ट अ डिजर्व कलर, फिर उसके बाद जो कलर चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे. ठीक है, तो उसके लिए हम देखेंगे फॉन्ट में. सो नाउ लुक एट हियर, मैं आपको दिखाती हूँ. ये क्या है हमारा, ये हो गया है हमारा होम वाला टैब. देखो एच ओ एम यू होम, जहाँ पे जो टैब के अंदर हम रहते हैं वहाँ पे ऐसे वाइट थोड़ा सा ग्रेस्ट कलर में आता है. अगर मैं इंसर्ट में चलू जाऊँगी तो देखो इंसर्ट पे क्लिक किया तो इंसर्ट के अंदर के ग्रुप आ गए, तो इंसर्ट का देखो थोड़ा सा ग्रेस्ट कलर आ गया है, ब्लूइश ग्रेस्ट कलर. देन डिज़ाइन पे क्लिक किया तो यहाँ पे डिज़ाइन का आ गया. ठीक है, देन यहाँ पे होम है, होम वाले टैब के अंदर ये आपको FONT फॉन्ट वाला ऑप्शन दिख रहा है. ठीक है, तो यहाँ से पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ लिख देंगे माय नेम इज, माय नेम इज प्राजक्ता. ठीक है, उसके बाद डॉट दूंगी, यहाँ पे डॉट दिया मैंने. देन उसके बाद लिखूंगी आई एम कंप्यूटर टीचर. ठीक है, ये मैंने सेंटेंस लिख दिया है. अभी देखो ये सेंटेंस मैंने लिख दिया है, अभी जो ये प्राजक्ता है ठीक है उसको ही शेप मुझे क्या करना है, उसका साइज चेंज करना है, उसको कलर करना है, उसको बोल्ड करना है. तो मैं क्या करूँगी, उसको माउस के लेफ्ट वाले बटन से सिलेक्ट कर दूँगी. देखो मैंने सिर्फ प्राजक्ता को सिलेक्ट कर दिया. जैसे सिलेक्ट किया तो यहाँ पे एक विंडो, आपको यहाँ पे ये दिख रहा होगा, ये फॉन्ट वाला ग्रुप है जो यहाँ पे दिया हुआ. ठीक है, उसमें से हम यहाँ से ये जो 22 दिख रहा है उससे हम उसका साइज कम ज़्यादा कर सकते. देखो जैसे मैंने उस 10 पे साइज कर दिया तो यहाँ पे भी आपका साइज छोटा हो गया. ठीक है, अभी मैं जैसे जैसे नंबर पे जाऊंगी वैसे वैसे उसका साइज चेंज हो जाएगा. देखो 24 गए तो बड़ा हो गया, अभी मैं साइज सिलेक्ट कर दूंगी 28. ठीक है, मैंने उसका साइज 28 को सिलेक्ट कर दिया. फिर यहाँ से आता है कलर. देखो अगर मुझे उसके बाहर कोई कलर देना है तो यहाँ से मैं कलर भी सिलेक्ट कर सकती हूँ. सपोज मुझे अभी इसको ग्रे कलर देना है तो उसके ये बाहर का कलर आ गया. और यहाँ पे जहाँ पे ए लिखा है, ए पे वहाँ पे क्लिक करूँगी तो जो प्राजक्ता लिखा है उसका कलर चेंज हो जाएगा. देखो तो जो मैं कलर सिलेक्ट करूँगी वो उसके अंदर आ जाएगा. सपोज अगर मैंने यहाँ से एक रेड वाला कलर सिलेक्ट किया है तो जो मैंने लिखा है वो कौन से कलर का आ जाएगा, रेड कलर का आ जाएगा. देखो वो उसका कलर चेंज हो गया, उसका कलर कौन सा हो गया, रेडिश कलर तक, रेडिश कलर हो गया. ठीक, उसके बाद यहाँ पे और ऑप्शन होते हैं फॉन्ट में जो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं लिखा है. यहाँ से हम उसको देखो वो साइज और बड़ा हो गया, और बड़ा हो गया है, तो यहाँ से बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से छोटा कर सकते हैं. ठीक है, जो यहाँ पे दिया है वो ही है, तो यहाँ से बड़ा होता है साइज और यहाँ से छोटा होता है.
देन यहाँ से सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस ये होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम जो लिखा है उसका हम फॉन्ट भी चेंज कर सकते। देखो ये सिंपल वाला है, ये अलग है, ये देखो अलग अलग इसके अंदर फॉन्ट भी है, तो इसको भी हम सिलेक्ट कर सकते हैं। स्पेस ये देखो ये क्या है, ग्रैंडुलेट फिल अ ब्लू अ रिफ्लेक्शन जैसे दिख रहा है, तो उसको सिलेक्ट कर दिया। देखो वो रिफ्लेक्शन जैसे दिखेगा। देन उसके बाद इससे बोल्ड होता है, वो देखो डार्क हो गया, बोल्ड हो गया। इससे इटैलिक होता है, इटैलिक किया तो थोड़ा देखो उसका फॉन्ट चेंज हो गया। अंडरलाइन, अंडरलाइन करूँगी तो उसके नीचे अंडरलाइन आ जाएगी, ठीक है। तो ये क्या होता है, फॉन्ट वाले ग्रुप होते हैं, उससे हम इसका फॉन्ट चेंज करते हैं। अभी देखो उसका जो मैंने सिर्फ प्राजक्ता को सिलेक्ट करके किया था, उसका फॉन्ट सबका क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो वो जो प्राजक्ता लिखा था वो रिफ्लेक्शन में दिख रहा है, उसका ब्लू कलर हो गया है। देन उसमें अलग अलग क्या हो गया, अलग हमने इटैलिक किया था, अंडरलाइन किया, तो उसके नीचे अंडरलाइन भी आ गई है। देखो उसके नीचे अंडरलाइन भी आ गई है। तो ये हम फॉन्ट में जाके चेंज करते हैं। फॉन्ट कहाँ पे है, होम वाले ग्रुप में है, ये जो फॉन्ट है उसके अंदर ये होते हैं। देन उसके अंदर अलग अलग फॉन्ट भी होते हैं, ये इससे भी हम चेंज कर सकते हैं। तो ये होता है फॉन्ट वाला ग्रुप। देन नेक्स्ट इज द क्लोज अ डॉक्यूमेंट्स, अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स को क्लोज करना है। अगर हमने अभी देखो मैंने अभी ये लिखा है, अभी उसको मुझे क्या करना पड़ेगा, कंट्रोल एस से सेव करना पड़ेगा, क्योंकि लिखने के बाद हम सेव करते हैं। तो कंट्रोल एस किया है तो वो सेव हो गया है। देन क्लोज अ डॉक्यूमेंट्स, हमने वर्क कर दिया है, हमें क्लोज करना है, तो उसके लिए हमें कहाँ क्लिक करना पड़ता है, वेन यू नीड टू क्लोज डॉक्यूमेंट फॉलोइंग स्टेप। तो उसके लिए हमें फाइल पे क्लिक करना पड़ता है, क्लिक द फाइल टैब, देन इन्फो द स्क्रीन अपियर द लेफ्ट पैनल, क्लिक द क्लोज ऑप्शन, वहाँ पे क्लोज वाला ऑप्शन आता है, वहाँ पे जाके क्लिक करना पड़ता है। इफ़ यू हैव क्लोज द डॉक्यूमेंट विदाउट द सेव, अगर विदाउट सेव किए हुए अगर हम उस पर क्लिक करते हैं तो हमें ऐसे मैसेज बॉक्स आता है, मतलब आपको सेव करना है तो सेव करेंगे, डू नॉट सेव करना है तो डू नॉट सेव करेंगे, और मैसेज बॉक्स अगर कैंसिल करना है तो कैंसिल करेंगे। यू ट्राई टू क्लोज डॉक्यूमेंट विदाउट द सेविंग, द वर्ड शो इन द मैसेज बॉक्स आस्किंग यू वेदर यू वॉन्ट टू सेव द डॉक्यूमेंट्स, फिर वो पूछेंगे कि सेव करना है कि नहीं। देन क्लिक सेव इफ यू हैव विश टू सेव द फाइल, अगर आपको सेव करना है तो सेव कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम सेव पे क्लिक कर देंगे तो हमारी विंडो क्लोज हो जाती है, तो हम वहाँ से भी सेव कर सकते हैं। अदरवाइज हमारी जो विंडो होती है वर्ड की, उसमें ऊपर आपको ऐसे क्रॉस वाली बटन दिखेंगी, वहाँ से भी बंद कर सकते हो। आपको यहाँ पे दिखाती हूँ, ठीक है। ये फाइल है, फाइल ये जो हमारा फोल्डर है, फाइल पे जाके क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लोज ऑप्शन है, वहाँ पे मैं जैसे क्लिक कर दूंगी तो आपकी ये फाइल बंद हो जाएगी। मैं अभी क्लिक कर रही हूँ, देखो तो वो बंद हो गई और हमने सेव की थी। और ये दूसरी फाइल है जो फर्स्ट वाली फाइल थी, ठीक है, जो डॉक्यूमेंट्स वन करके यहाँ पे नाम है, इसको भी मुझे बंद करना है। तो आपको सेकंड मेथड बताती हूँ। यहाँ पे आपको क्रॉस वाला साइन दिख रहा है, वहाँ पे देखो एरो लेके गई तो वहाँ पे क्लोज लिख के आ गए, तो वहाँ पे जाके मैं जैसे माउस की बटन दबा दूंगी तो ये क्लोज हो जाएगा। तो हमारा देखो अभी वर्ड प्रोसेसर ये क्या हो गया है, क्लोज हो गया। तो इस तरह उसको हम क्लोज भी कर सकते हैं। सो दिस इज अवर लेसन, नाउ एक्सरसाइज वी विल बी सी इन अवर नेक्स्ट पीरियड। सो आई होप ऑल ऑफ यू नाइसली अंडरस्टूड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।